back to our channel Bajrang Studies. Let's start our questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? नवतेज पल. नवतेज पल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है. और इसके अध्यक्ष हैं भास्कर प्रमाण. माइक्रोसॉफ्ट जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएस में है. संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन. और सीईओ हैं सत्य नडेला. तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? नवतेज पल. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है. अध्यक्ष हैं भास्कर प्रमाणिक. और माइक्रोसॉफ्ट इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी. हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएस में है. संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन. सीईओ हैं सत्य नडेला. विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई को. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है. का उद्देश्य है विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना. और इस वर्ष की थीम है इस वर्ष की थीम क्या है? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स. और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यूनाइटेड नेशन. इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई. हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है. Thank you.
अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस वर्ष की थीम क्या थी? पुटिंग द ब्रेक्स ऑफ कोविड-19, प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है, और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। नागौर पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के नागौर पुलिस स्टेशन को राज्य और भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, ये हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? हरिमपुर जिले में। इसे यह सम्मान बेहतर काम करने के लिए दिया गया है, हिमाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है शिमला, सीएम है जयराम ठाकुर, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के हरिपुर जिले में स्थित है। इसे यह सम्मान बेहतर काम करने के लिए दिया गया है, हिमाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय।
मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग असीम को शुरू किया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने असीम यानी कि आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय मैपिंग को शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुधार लाना। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, मीन्स शाखा है, जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह ही सोचने और समझने की क्षमता को विकसित किया जाता है। तो किस मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग असीम को शुरू किया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। और क्यों किया है? रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति को अंतर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुधार लाने के। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, जिसके द्वारा हम मशीनों में इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करते हैं। किस देश की सेना ने यूनिफिल 2020 का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? भारत। भारत की सेना ने यूनिफिल 2020 का पर्यावरण पुरस्कार जीता है।
लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि यूनिफिल ने में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी एक प्रथम पुरस्कार जीता है। यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, इसकी स्थापना 19 मार्च 1978 में हुई। हेडक्वार्टर है लेबनान में। तो किस देश की सेना ने यूनिफिल 2020 का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? भारत की सेना ने। और किस वजह से जीता है? कचरा कम करने, प्लास्टिक को दोबारा रियूज करने और ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से। यूनिफिल, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, इसकी स्थापना 19 मार्च 1978 में हुई। हेडक्वार्टर लेबनान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? यूरोपीय संघ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ये सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? यूरोपीय संघ के बीच, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन करेंगे और ये 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा।
भारतीय हॉकी संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ज्ञानेंद्र निगोमबाम। तो ज्ञानेंद्र निगोमबाम भारतीय हॉकी संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारतीय हॉकी संघ भारत में होने वाले सारे हॉकी गेम्स को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 20 मई 2009 में हुई। पुरुष हॉकी टीम कोच है ग्राहम रीड और महिला हॉकी टीम कोच है शॉर्ट मारिन। तो भारतीय हॉकी संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ज्ञानेंद्र निगोमबाम। भारतीय हॉकी संघ ये भारत में होने वाले सारे हॉकी गेम्स को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 20 मई 2009 में हुई और इस पुरुष हॉकी टीम कोच है ग्राहम रीड और महिला हॉकी टीम कोच है शॉर्ट मारिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।